नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर सेक्शन नंबर जो है हमारा 4, जिसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोगरी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर जो 4 है हमारा, उसके अंदर किस चीज की बात की गई है। उसके अंदर बात किस चीज की गई है, डिमांड की, कि यहाँ पर डिमांड की जा रही है डोगरी की। सेक्शन नंबर 3 के अंदर बात की गई थी पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डोगरी। ठीक है, वहां पर देने और लेने के बारे में बात की गई थी। अगर कोई व्यक्ति देता है और लेता है डोगरी, तब उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन सेक्शन नंबर 4 के अंदर डिमांड की बात की गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 4 के अंदर डिमांड है और उस सेक्शन नंबर 3 के अंदर गिविंग और टेकिंग, यानी आप जो डोगरी देते हैं और जो डोगरी लेते हैं, ठीक है, उसकी पेनल्टी की बात की गई है। तो अब हमारा जो सेक्शन नंबर 4 है, इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पर डिमांड कैसे कैसे हो सकती है। पहले बात तो हमें डिमांड का पता चल गया है कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर डिमांड की जाएगी डोगरी की। अब डिमांड है वह कैसे होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दो वे के अंदर डिमांड डिफाइन की गई है। डायरेक्ट वे में अगर आप डायरेक्ट बोल के लेते हो, जो भी पक्ष है, लड़की का पक्ष है या फिर जो लड़के वाले हैं, ठीक है, यानी लड़के वाले डिमांड करते हैं या फिर लड़की वाले डिमांड करते हैं, तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्लियरली बोला गया है कि कोई भी डिमांड करे, लड़की वाले डिमांड करे या फिर लड़के वाले डिमांड करे, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली डिमांड करना, कि यह बोल दे रहा है कि मैं तो आपके घर पर तभी बारात लेकर आऊंगा जब आप मुझे एक फॉर्चुनर गाड़ी देंगे, तो वह क्या हो गई, डिमांड हो गई डायरेक्ट वे में। और इनडायरेक्ट कैसे हो गई, इनडायरेक्ट वे में उसने कुछ बोल दिया कि हाँ मुझे यह चाहिए, या फिर आप अपनी लड़की को शादी के अंदर क्या क्या सामान देंगे। ठीक है, डिमांड तो रख दी, लेकिन वे क्या हो गया उसका, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कैसे, उसने बोला कि क्या क्या सामान दोगे अपनी लड़की को, क्योंकि समाज को तो यह लगेगा कि लड़की के पिता ने अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन यह तो कोई नहीं जानता कि पीछे से डिमांड की गई है लड़के के द्वारा, तब यह सारी जो डोरी है वह दी जा रही है। ठीक है, तो वह क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट वे होता है। या फिर कोई प्लॉट है, वह रजिस्टर्ड करवा दे लड़के के नाम पर, यह बोलकर कि मैंने कुछ सामान नहीं दिया है, और प्लॉट रजिस्टर्ड करवा दे और किसी को पता भी ना चले, यह चीज भी क्या हो गई, इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव और गार्जियन ऑफ ए ब्राइड और ब्राइडग्रूम, तो यहाँ पर दोनों की बात की गई है, या तो लड़के वाले पक्ष डिमांड करे या लड़की वाले डिमांड करे। यह नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है कि सिर्फ लड़के को ही सजा होगी डिमांड करने पर। कुछ एक स्टेट्स है जहाँ पर बहुत सारी ज्यादा डोगरी दी जाती है, और कुछ एक जगह पर क्या होता है कि लड़की वालों को भी डोगरी दी जाती है, लड़के वालों की तरफ से शादी करने के लिए जो कंसिडरेशन बीच में होती है वह। ठीक है, तो उस चीज के लिए प्रिंसिपल दोनों को ही किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग दोनों को पनिशेबल किया जाएगा, क्योंकि लेना और देना दोनों ही अपराध है। और सेक्शन नंबर 4, क्योंकि डिमांड अगर करता है कोई व्यक्ति, तो सेक्शन नंबर 4 के अंदर उसे पनिश किया जाएगा। अब बात करते हैं हम पनिशमेंट की। एज द केस मे बी, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच शैल नॉट लेस देन 6 मंथ। तो हमारी जो पनिशमेंट है वह कितनी है, 6 मंथ, बट विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 rupees। अब यहाँ पर दो चीजें दी गई है और दो पनिशमेंट दी गई है। सबसे पहले तो हमारे 6 महीने की होगी सजा। ठीक है, अब 6 महीने की सजा हो गई, अब उसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ज्यादा क्रुएलिटी की गई है किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी वुमेन के साथ या किसी मैन के साथ, ठीक है, तो वहां पर कोर्ट क्या करेगी, फैक्ट देखेगी, सर्कमस्टांसेस देखेगी, एविडेंस देखेगी, और उसके बिहाफ पर अगर कोर्ट को लगेगा कि इस व्यक्ति ने एक्चुअल में क्रुएल्टी की है, डिमांड की है डोगरी की, और प्रूफ हो जाता है, तो वह 6 मंथ के अलावा 1 year की सजा भी कर सकती है, और मैक्सिमम कितना दिया गया है, 2 years। ठीक है, तो वहां पर 2 साल की सजा तक कर सकती है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 rupees, 10,000 रुपए तक का फाइन बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 1,000, 5,000, ठीक है, लेकिन जो फाइन होगा हमारा एक्सटेंड कितना किया जा सकता है, 10,000 रुपीज तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इस तरह के MCQ क्वेश्चन भी आते हैं कोई भी एग्जाम होता है तो। ठीक है,
यानी कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके अंदर डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट अगर आता है तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब बात करते हैं जो प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन टू बी मेंशन इन द जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 6 मंथ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोविजो के अंदर क्या दिया गया है, बेनिफिट मिलता है कब, मान लीजिए किसी व्यक्ति को फॉल्सली इम्प्लीकेटेड किया गया है किसी केस के अंदर कि इस व्यक्ति ने डोगरी की डिमांड की है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो फैक्ट सर्कमस्टांसेस एविडेंस है वह एक्चुअल प्रूफ नहीं हो पाते हैं, तो वहां पर क्या कर देती है कोर्ट, तो उसको जो है क्या कर देती है, अगर मान लीजिए उसने 3 महीने की सजा कर दी है कोर्ट ने, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा कि अपील में जा सकता है वह व्यक्ति 3 महीने की सजा करने के बाद। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होता है बरी भी हो जाता है, यानी एक्विट भी हो जाता है जो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर डोरी के एलिगेशन लगी होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है वह डिसीजन नहीं ले पाती है और उस पर क्या करती है 3 ईयर सॉरी 3 मंथ की क्या कर दी, सेंटेंस कर दी, इम्प्रिजनमेंट कर दी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वह अपील में जाएगा, तो अपील में वही सेम दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसीजर रिवाइज होगा, आर्गुमेंट होंगे कंसिडरेशन होने के बाद, तो वहां पर सारे के सारे फैक्ट्स देखे जाएंगे, तब वहां पर उसे एक्विट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। और अगर 6 मंथ से कम, इसका मेन प्रोविजन का मीनिंग क्या है, अगर 6 मंथ से कम सजा की जाती है तो स्पेशल रीजंस टू बी मेंशन इन द जजमेंट, तो जजमेंट के अंदर स्पेशल रीजन लिखने पड़ेंगे जज को कि इस कारण से मैंने इस व्यक्ति को इतनी सजा दी है, ठीक है, या फिर मैंने इसकी लेस देन सजा क्यों की है, उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा जजमेंट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 4 है हमारा वह समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, हम आपका आंसर जरूर देंगे, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।